हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी आप लोग बहुत शानदार होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोज़ सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है और हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन यानी पोषण। आज इसका सेकेंड लेक्चर है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी आप लोग जुड़ जाइए। कैसे हैं आप लोग सभी, कमेंट करके बता दीजिए। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, क्लास की जो टाइमिंग होती है रोज़ सुबह 9:30 बजे होती है। टारगेट एक ही है, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, लेट्स क्रैक इट। और सिर्फ एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए नहीं, ये जनरल साइंस है, हर एग्जाम के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं डेली शाम को 4 बजे एक साइंस का लाइव टेस्ट लेता हूँ, मिक्स क्वेश्चन का। ये प्रैक्टिस सेट लगाया करो, आप लोगों को यहाँ पर रैंक भी मिलती है। कल ये टेस्ट नहीं हो पाया था, है ना, लेकिन ये डेली आपका 4 बजे होता है। और ये आप लोग का होता है दोस्तों 1 PM पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं करवाता हूँ। फिजिक्स के सारे करवा चुका हूँ, केमिस्ट्री के अभी आप लोग चल रहे हैं। तो इन क्लासेस के लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। आप लोगों से अगर गोल पूछे तो रेलवे एग्जाम्स आप लोग डालिए, मेरा नाम सर्च करिए और मुझे फॉलो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में सारी क्लासेज आप लोगों को दिख जाएगी। और दोस्तों, आप लोग कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कोर्स मिल जाएंगे। जैसे SSC का लोगे तो SSC में जितने भी कोर्सेज है सारे मिल जाएंगे। मेरा कंप्लीट कोर्स आ रहा है SSC JEE का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। साथ में CGL की क्लास हो, CHSL की क्लास हो, मैथ्स की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, सारी क्लास आपको मिल जाएगी एक ही में, ठीक है। आप लोग दोस्तों हर क्लास की PDF मिल जाएगी और इसी में आप लोगों को टेट सीरीज भी मिल जाती है, तो अलग से पैसे देने की जरूरत आपको नहीं है, एक सब्सक्रिप्शन में सारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफरल कोड यूज करें नीरज 11, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो नीरज 11 आप लोगों का रेफरल कोड है, आप लोग किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, इसमें नीरज 11 रेफरल कोड यूज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं यानी पोषक तत्व क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमें बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनकी कमी से आपको कोई ना कोई डिजीज हो सकती है, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व। मैंने आपको बताया था ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो कौन से होते हैं दोस्तों, ऐसे आपके पोषक तत्व जो आपको कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, मिलीग्राम में चाहिए होते हैं, जैसे आपके विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट थे। और मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से थे दोस्तों, ऐसे पोषक तत्व जो आप लोगों को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ग्राम में चाहिए होता है, किलोग्राम में चाहिए होता है, तो ये आप लोगों के मैक्रोन्यूट्रिएंट होंगे। और इसके एग्जांपल हम लोगों ने देखा था दोस्तों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, ये सारे के सारे आपके क्या थे दोस्तों, मैक्रोन्यूट्रिएंट थे। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट जिसका कॉमन नेम शुगर है, और मैंने आप लोगों को बताया था इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, इसकी लघुत्तम इकाई, इसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, ग्लूकोज हो जाएगी। और आपको पता है हमने कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया था, जैसे एक था आपका मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज था, गैलेक्टोज था, फ्रक्टोज था, ये सभी के सभी आप लोगों के मोनोसैकेराइड थे दोस्तों। मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं, जो एक शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। इसके बाद में हम लोगों ने दोस्तों ओलिगोसैकेराइड देखे थे। ओलिगोसैकेराइड कौन से होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है दोस्तों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 11 या 11 से ज़्यादा आपके शुगर से के बनते होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये सारी चर्चा हम लोगों ने करी थी, आज हम लोग बात करेंगे किसकी, पॉलीसैकेराइड की। चलिए, तो पॉलीसैकेराइड की हम लोग बात करने वाले हैं। 2 पार्ट हम लोग कल कर चुके थे, मोनोसैकेराइड और आप लोग का ओलिगोसैकेराइड। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है, आप लोगों के ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 11 से लेकर इन्फिनिटी शुगर से मिलकर बने हों, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में कौन से हो जाएंगे दोस्तों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मिनिमम 11 और दोस्तों मैक्सिमम इन्फिनिटी इतने आप लोगों के शुगर से मिलके बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पॉलीसैकेराइड। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे इस पॉलीसैकेराइड में, इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कल हम लोगों ने एग्जांपल्स करे थे तो आज भी हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए आ जाइए, तो पॉलीसैकेराइड में अगर हम लोग बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा दोस्तों, आप लोगों के जो भोजन आप लोग जो लेते हो, फूड जो आप लोग लेते हो,
तो अगर इसमें पूछा जाए सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है, दोस्तों सबसे ज्यादा इसमें पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। आप लोग जो भी भोजन लेते हो उसमें दोस्तों मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, मोनोसेकेराइड पाया जाता है या आपका ओलिगोसेकेराइड पाया जाता है या आप लोग का पॉलीसेकेराइड। तो दोस्तों पॉलीसेकेराइड आप लोग के भोजन में पाए जाने वाले सबसे प्रचुर कार्बोहाइड्रेट है, तो इस चीज की आप लोग ध्यान रखोगे। और जब इसका पाचन होगा तो ये सिंपल फॉर्म में टूटेगा, किस में टूटेगा दोस्तों, ग्लूकोज फॉर्म में टूटेगा। कहानी क्लियर है, चलिए तो आइए दोस्तों पॉलीसेकेराइड के हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, स्टार्च हो जाएगा, ध्यान रखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा सेल्युलोज हो जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा आपका काइटिन, इसके बाद में हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन और इसके बाद में हो जाएगा हेपेरिन। दोस्तों ये पांचों आपके पॉलीकार्बोहाइड्रेट जो है, सॉरी पॉलीसेकेराइड जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी से दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए दोस्तों एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं सेल्युलोज की, तो दोस्तों सेल्युलोज को प्लांट कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है। आप लोगों से चार ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से प्लांट कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, तो दोस्तों सेल्युलोज को प्लांट कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, इसको दोस्तों प्लांट कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। अब पहली बात यह आती है कि ऐसा क्यों बोला जाता है, इसको प्लांट कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला जाता है, जरा कोई मुझे बता सकता है क्या, आइए देखते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए हर एक जीव, जैसे आप भी एक जीव हो, मैं भी एक जीव हूं, प्लांट्स भी एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है, हर एक जीव छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपने लड्डू खाए होंगे, अरे आपने कोई वॉल देखी है क्या, कोई दीवार देखी है क्या, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं वो दीवार बनी हुई किससे है, क्या मैं बोल सकता हूं कि दोस्तों छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है, तो यानी उस वॉल की स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या होगी दोस्तों, ईंट होगी। और जब उस ईंट को हम लोगों ने रिपीट करा है तो पूरी की पूरी वॉल का फॉर्मेशन हुआ। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं बोलूं आप लोग जो लड्डू खाते हो, आप लोगों ने दोस्तों बूंदी वाले लड्डू खाए क्या, बिल्कुल दाने वाले लड्डू जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे दाने वाले, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं ये पूरे लड्डू का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आप लोग बोलेंगे दोस्तों ये दाने मिलके हुए हैं, यानी ये जो दाना है, एक जो दाना है, क्या वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या सबसे छोटी इकाई है क्या इस लड्डू की। सिमिलरली दोस्तों हमारा जो शरीर है इसकी भी कोई छोटी से छोटी इकाई होगी, और बहुत सारी इकाई मिलके दोस्तों पूरे शरीर का फॉर्मेशन हुआ होगा, और उसी छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेल यानी कोशिका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं यानी कोशिका बोलते हैं। पहली बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे जब सेल वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार से होता है, लेकिन अभी के लिए आप लोग समझिए सेल सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हमारी बात करें एनिमल सेल की बात करें, ह्यूमन सेल की बात करें, तो वो अलग प्रकार की होती है, उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। जो आपकी प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका होती है, वो अलग प्रकार की होती है। तो अभी मैं सेल वाला चैप्टर तो नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, लेकिन सेल का एक बार आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को अंदाजा पड़े कि आप लोगों के जो सेल्युलोज होते हैं इसको प्लांट कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला जाता है, बताऊं दोस्तों। आइए तो दोस्तों मान लीजिए ये आप लोगों की कोई सेल है। दोस्तों सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे भारी दोस्तों जो परत होती है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल वॉल बोलते हैं। और इसी को बोला जाता है दोस्तों कोशिका भित्ति, इसी को बोला जाता है कोशिका भित्ति। तो अगर ये सेल वॉल की बात करें तो ये अलग अलग जीव में अलग अलग चीज से बनी होती है, क्लियर। जैसे कीड़ों में अलग से होता है, आप सॉरी फंगस में अलग से होता है। तो अगर हम लोग बात करें प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है दोस्तों, सेल्यूलोज से बनी होती है। इतनी सी बात क्लियर है क्या, अरे इतनी सी बात क्लियर है क्या। और ध्यान रखेंगे दोस्तों ये सेल्यूलोज हमारे शरीर में पचाया नहीं जाया, हमारी जो बॉडी है इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का दोस्तों पॉलीसेकेराइड है, या फिर आप लोग बोल सकते हो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है।
दोस्तों ये आप लोगों का जो सेल्यूलोज है ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। पहली बात समझ में आई क्या? आई। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया सेल्यूलोज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों इनकी जो सेल होती है इसकी सबसे भारी जो दोस्तों प्रोटेक्शन बोल लो या सबसे भारी जो लेयर होती है इसको बोला जाता है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इतनी सी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है। अब आगे मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि दोस्तों क्या फल में सेल्यूलोज पाया जाएगा, क्या कमेंट करके बताएंगे हाँ या ना? मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, जो फल होते हैं फ्रूट्स होते हैं उसमें सेल्यूलोज पाया जाएगा क्या? दोस्तों फल कहां से मिलते हैं? आपके यहां पर उगते हैं कि कान में, ये कोई पपीता उग रहा है, यहां पर आम उग रहा है, ऑब्वियसली प्लांट से आप लोगों को प्राप्त होंगे ये फल होंगे जो फ्रूट्स होंगे, तो उसमें सेल्यूलोज पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। दोस्तों जो आप लोग के वेजिटेबल्स होती है इनमें क्या सेल्यूलोज पाया जाएगा क्या? बिल्कुल पाया जाएगा। तो आप लोगों के जो फल होते हैं यानी फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल में डिफरेंस क्या होता है यहां पर आप लोग समझेंगे। दोस्तों जो आप लोगों की वेजिटेबल्स होती है यानी दोस्तों जो सब्जियां आपकी होती है इनमें सेल्यूलोज का अमाउंट क्या होता है? इनमें सेल्यूलोज का अमाउंट ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? फ्रूट के कंपैरिजन में। दोस्तों फल की तुलना में बात करें, फ्रूट के कंपैरिजन में बात करें तो दोस्तों जो वेजिटेबल होती है सब्जियां उनमें सेल्यूलोज का अमाउंट ज्यादा होता है। और दोस्तों अगर बात करें सेल्यूलोज ज्यादा पाया कहां पर जाता है? दोस्तों जो छिलका होता है ना, छिलका उसमें पाया जाता है, छिलके में पाया जाता है। अब बात देखो ध्यान से समझना, आप लोगों की पूरी बायोलॉजी हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे सेल्यूलोज की बात आ गई, यहां पर मैं सारा आपको सेल्यूलोज के बारे में जितनी चीजें हो सकती है बता सकता हूं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, पहली चीज कि आप लोगों के दोस्तों जो फ्रूट्स होते हैं इनमें सेल्यूलोज का अमाउंट कम होता है और आपके दोस्तों जो वेजिटेबल्स होती है सब्जियां इनमें सेल्यूलोज का अमाउंट ज्यादा होता है। आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, जो सेल्यूलोज पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? छिलके में, जो उसकी ऊपरी लेयर होती है ना उसमें पाया जाता है। अब मैंने आप लोगों को बोला कि सेल्यूलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, हमारी बॉडी पचा नहीं सकती, तो आपके पास में एक ऑप्शन है सब्जी और एक मैंने आपको दिया, एक तो सब्जी दी एक मैंने फल दिया। तो मैंने बोला कि आपको दोनों को खाना है, मैंने आपको एक ऑप्शन दिया कि इन दोनों में से किसी एक का ही छिलका आप लोग उतार सकते हो, तो आप किसका छिलका उतारना प्रेफर करोगे? दोस्तों सब्जी का या फिर दोस्तों फल का, वेजिटेबल का या फ्रूट का? खाना आपको दोनों है लेकिन मैंने ऑप्शन दिया आप लोग इन दोनों में से एक का ही छिलका उतार सकते हो। दोस्तों आप लोग किसका छिलका उतारना पसंद करोगे बताओ, जल्दी से बताइए, देखते हैं किसके आंसर्स आ रहे हैं। आंसर तो बहुत लोगों के आ रहे हैं, अभी देखते हैं सही कितने लोगों के हैं। जल्दी से बताइए, फ्रूट के उतारेंगे वेजिटेबल के उतारेंगे? दोनों आंसर आ रहे हैं। दोस्तों आपको पता है हम लोग सेल्यूलोज क्या करेंगे? सेल्यूलोज नहीं खाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है मतलब ये बिल्कुल सीधा का सीधा आपका निकल जाएगा, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, पहली बात तो ठीक है। तो क्या करें? इधर आओ दोस्तों, हम लोग चाहते हैं जो फ्रूट होते हैं फल होते हैं ये तो हम लोग दोस्तों बिना छिलके उतारे भी खा सकते हैं। आप लोगों का अमरूद है, ठीक है, आप लोग क्या बिना छिलके उतारे खा लेते हो क्या? बिल्कुल खा लेते हो, लेकिन दोस्तों जो ज़्यादातर वेजिटेबल्स होती है आप लोग इनका छिलका उतार के खाते हो, क्लियर, कभी भी छिलके के साथ में नहीं खाते हो। कारण क्या है? क्योंकि इनके दोस्तों जो कवरिंग होती है, इनके जो छिलके होते हैं इनमें सेल्यूलोज का अमाउंट ज़्यादा होता है,
क्लियर, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हमारा थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए हम आगे भी जाके पढ़ते आगे भी पढ़ेंगे, तब आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि हाँ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था सेलुलोज के बारे में। तो अगर बात करें दोस्तों, सेलुलोज को हम लोग प्लांट कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अगर बात करें जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, काइटिन है, हिपेरिन, आइए इन सब के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, आइए सेल्यूलोज की करते हैं। तो सेल्यूलोज के बारे में पहला पॉइंट क्या होगा, क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं है, आप लोग सभी जानते हो दोस्तों, सेल्यूलोज जो होता है ये आप लोगों का एक प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, एक पादप कार्बोहाइड्रेट है, पहली बात यह है दोस्तों। दूसरी बात, आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि जो आप लोगों का सेल्यूलोज है ये कैसे होता है? तो दोस्तों ये आप लोगों का जो ग्लूकोज होता है, ऑब्वियसली बात है, ग्लूकोज तो आप लोगों का क्या है, मोनोसैकेराइड है दोस्तों। जब ग्लूकोज आप लोगों का बहुत ज्यादा ग्लूकोज जब आप लोगों के एक साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे का मतलब है दोस्तों 11 से ज्यादा, 11 या 11 से ज्यादा, तो दोस्तों ये आपका निर्माण किसका करते हैं, सेल्यूलोज का करते हैं। किसका करते हैं, सेल्यूलोज का करते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री में एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, पॉलीमर हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या सेल्यूलोज एक आप लोगों का पॉलीमर है, एक बहुलक है? और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस सेल्यूलोज का मोनोमर क्या है, एकलक क्या है, तो दोस्तों ग्लूकोज इसका मोनोमर हो जाएगा। मोनोमर का मतलब है एकलक हो जाएगा। ये पॉलीमर क्या होते हैं फिर से बता देता हूं, जैसे आप लोगों के दोस्तों कोई मोती की माला है, तो बहुत सारे मोती मिलके दोस्तों एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे पॉलीमर बहुलक, और ये छोटे छोटे दाने क्या कहलाएंगे, ये मोनोमर कहलाएंगे। तो दोस्तों आपके ग्लूकोज से क्या बनता है, सेल्यूलोज, तो आपका ग्लूकोज हो जाएगा एक मोनोमर, सेल्यूलोज हो जाएगा आप लोग का पॉलीमर। इतनी सी बात क्लियर, चले आगे, आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करें दोस्तों जो सेल्यूलोज का निर्माण होता है, ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखेंगे जो सेल्यूलोज होती है, जो सेल वॉल होती है प्लांट की, कोशिका भित्ति, वो इसी से बनी होती है। और जो सेल्यूलोज का मतलब क्या है दोस्तों, जब ग्लूकोज आपके 11 या 11 से ज्यादा ग्लूकोज एक साथ जुड़ के इस सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं, इस पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं, तो ये आप लोगों का जो सेल्यूलोज हो गया एक प्रकार का पॉलीमर हो गया, और ग्लूकोज इसका मोनोमर हो गया। आगे चले दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेल्यूलोज के यूज के, इसके यूज कहां कहां पर होते हैं। तो आइए, पहला यूज है दोस्तों पेपर इंडस्ट्री में, पेपर बनाने में इसका यूज होता है। अब मुझे एक जवाब दोगे क्या आप, मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री में मैंने 2-3 चीजें छोड़ी थी, लेकिन वो क्यों छोड़ी थी, क्योंकि उसका अलग से करवाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन आपने तो बोला था सर साइंस में एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो आइए देखो अभी पूरी करवाता हूँ वो। जरा मुझे बताओ दोस्तों, पेपर निर्माण में सेल्यूलोज का यूज होता है, ध्यान से समझना। आपने देखा होगा दोस्तों, काफी समय तक जब पेपर रखे रहते हैं, बुक्स रखी रहती है, तो क्या थोड़ी सी वो भूरे कलर का सा हो जाता है, क्या ब्राउन सा, येल्लो सा, बताओ जल्दी से, ऐसा हो जाता है कि उसका कलर? अरे बहुत टाइम से, मान लो 3-4 साल से कोई बुक पड़ी है लाइब्रेरी में, तो उसके कलर थोड़े से ब्राउन से पीले से हो जाते हैं, क्या बताओ हाँ या ना? तो क्वेश्चन है कि वह भूरा कलर क्यों होता है, इसका कारण आप लोग बताइए, कौन दोस्त है जो इसका कारण बताएगा, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से बताओ। पेपर में कीड़े लग जाते हैं, अच्छा पेपर में कीड़े लग जाते हैं, इससे हो जाता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि दोस्तों जो पुराने रखे हुए कागज उसका कलर ब्राउन क्यों हो जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों उसमें जो सेल्यूलोज होता है, अब आप लोगों को पता पड़ गया सेल्यूलोज क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के जो पेपर होते हैं वो सेल्यूलोज से बना होता है, तो दोस्तों सेल्यूलोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है। आपको पता है ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट होकर सेल्यूलोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से दोस्तों आपका जो पेपर होता है उसका रंग हो जाता है दोस्तों भूरा, ठीक है, भूरा या डार्क, आप लोग येल्लो बोल दो, भूरा बोल लो या डार्क येल्लो बोल लो, कहानी क्लियर है क्या? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हो गया इसका पहला यूज दोस्तों। दूसरे यूज की बात करते हैं, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, आप लोगों को पता है मिरर के पीछे एक पॉलिशिंग करी जाती है ना सिल्वर की, ठीक है, तो जो आप लोग की जो पॉलिशिंग होती है ना, इसमें भी आपका किसका यूज होता है दोस्तों, सेल्यूलोज का होता है।
और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आप लोगों का टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो ये दोस्तों कपड़े हैं ना, इस कपड़ों के निर्माण में भी किसका यूज होता है दोस्तों, सेल्यूलोज का यूज होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर कपड़े के निर्माण में कैसे यूज होता है, तो आइए इसको देखते हैं। पहले तो मुझे बताइए ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में आ गया, और ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके? चले आगे, आ जाओ आगे। तो आइए दोस्तों सेल्यूलोज के हम लोग बात कर रहे थे कि कपड़े वगैरह कैसे, तो मुझे एक चीज बताओ, हम लोगों ने केमिस्ट्री में रेयन पढ़ा था क्या, रेयन क्या था? अरे दोस्तों रेयन क्या था, कोई कमेंट करके बताएंगे कि रेयन क्या था। मैंने आप लोगों को बताया था रेयन क्या है, एक प्रकार का फाइबर है, और फाइबर भी कैसा है, नेचुरल था या सिंथेटिक था? दोस्तों ये आपका सिंथेटिक फाइबर था, तो आप लोगों आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हो। तो दोस्तों जो रेयन होता है वो एक आप लोगों का आर्टिफिशियल फाइबर है, और दोस्तों ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बनता है, किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। इसलिए मैंने बोला दोस्तों सेल्यूलोज का यूज आपका किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी होता है। तो बस इतना याद रखेंगे आप लोगों का दोस्तों, जो रेयन होता है ये एक आपका आर्टिफिशियल फाइबर होता है, आर्टिफिशियल फाइबर होता है, और ये किससे मिलके बना होता है, ये आप लोग के बना होता है सेल्यूलोज से, ठीक है? इतनी सी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्टार्च की, और अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो स्टार्च को स्टार्च याद रखना है, लेकिन इसको हिंदी में दोस्तों मंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंड भी बोला जाता है, ध्यान आप लोग रखेंगे। स्टार्च जो कि आप लोगों का एक क्या है, पॉलीसैकेराइड है, तो स्टार्च को हम लोग क्या बोलते हैं, मंड भी बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग का स्टार्च क्या है, जो पौधे होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं, तो पौधों में ये आपका स्टोर जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो क्या रहता है, स्टार्च होता है। पौधों में स्टोर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वो आपका क्या रहता है दोस्तों, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में दोस्तों कौन सा कोई कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल रहता है। कौन सा रहता है? ग्लाइकोजन रहता है, जिसके भी थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे। सिमिलरली दोस्तों प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो कौन सा होता है, आप लोग का स्टार्च होता है, मंड होता है। पहली बात क्लियर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। जैसे आप लोग का कौन सा हो जाएगा, वीट में, गेहूं में, राइस में, पोटैटो में, इन सभी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, स्टार्च होता है। तो अगर बात करें दोस्तों जो स्टार्च है ये भी आपका ग्लूकोज का ही एक क्या है, पॉलीमर है, बहुलक है, और दोस्तों इसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है, पौधे में पॉलीसेकेराइड के भंडारण रूप में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों के प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, जो उनमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। और आपका स्टार्च क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं प्लांट्स में कौन सा पॉलीसेकेराइड स्टोर रहता है, तो आप लोगों का आंसर होगा दोस्तों स्टार्च, यानी मंड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोस्तों ह्यूमन द्वारा सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज करा जाता है, तो मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग वाला जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आप लोगों का स्टार्च ही है दोस्तों, मंड ही है। ध्यान आप लोग रखोगे क्या, जल्दी से बताओ, ठीक है? और दोस्तों सेल्यूलोज के बारे में एक चीज मैं मिस कर गया, अभी बता दूंगा, पहले इसको ध्यान रखो। हम कौन से कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं दोस्तों स्टार्च का। ह्यूमन के द्वारा जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किया जाता है वो स्टार्च का किया जाता है, और स्टार्च आप लोगों का दोस्तों किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है आप लोगों के, ठीक है? जैसे आप लोगों का पौधों में जो आप लोगों का स्टोर होता है ना कार्बोहाइड्रेट, वो कौन सा होता है, आप लोगों का स्टार्च होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी स्टोर होता है, अभी बताऊंगा वो कौन सा होता है, पौधों में जो स्टोर होता है वो आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट होता है। पहली बात क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जैसे वीट में, राइस में, पोटैटो में, सब में आप लोगों का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ये पाया जाता है, स्टार्च। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे सेल्यूलोज के बारे में, है ना? एक बार सेल्यूलोज का मैं एक चीज़ भूल गया था, सेल्यूलोज में इधर लिखवाता हूँ दोस्तों। सेल्यूलोज के बारे में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, प्रकृति में सबसे ज़्यादा
पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट की अगर आप लोगों से बात पूछी जाए तो ध्यान रखें वो है आप लोगों का सेल्यूलोज, यानी मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सेल्यूलोज हो जाएगा। और ह्यूमन द्वारा, मानव द्वारा यूज किए जाने वाला सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? स्टार्च होता है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों काइटिन। काइटिन क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ये आप लोगों का कहां पर पाया जाता है? तो अगर बात करें दोस्तों जो आप लोगों के कीड़े होते हैं ना, कीड़े, तो इनकी जो ऊपरी सतह होती है ना, ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, आप लोग सभी जानते हो। और एक चीज ध्यान रखिए, प्रकृति में पाया जाने वाला सेकंड मोस्ट यानी प्रकृति में पाया जाने वाला दूसरा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? आप लोगों का काइटिन है। यह भी याद रह जाएगा कि दोस्तों क्लास में याद रहना चाहिए, घर के लिए कुछ भी मत छोड़ो। क्लियर है क्या? तो आप लोग की बात कर रहे दोस्तों कीड़ों की, जो कीड़े होते हैं उसकी जो ऊपरी सतह होती है वो काइटिन की होती है, और काइटिन क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा मुझे कमेंट करके बताओ प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई थी दोस्तों? प्लांट जो होते हैं उसकी सेल वॉल किससे बनी थी? आप लोगों का आंसर होगा सेल्यूलोज। सिमिलरली क्वेश्चन पूछा जाता है जो फंगस होते हैं, जो कवक होते हैं, इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? अब देखिए, हो सकता है आप लोगों को फंगस के बारे में नहीं पता हो, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे फंगस बैक्टीरिया सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझो कि फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है? जैसे आपका मशरूम भी क्या है? एक फंगस है। तो दोस्तों जो कवक होते हैं, जो फंगस होते हैं, तो जो सेल वॉल होती है ना, इनकी कोशिका भित्ति होती है, वो किससे होती है? काइटिन से मिलकर बनती है, ठीक है? तो सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल किसकी? फंगस की, कवक की। ये किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ये काइटिन की बनी होती है। और काइटिन का और यूज कहां पर है दोस्तों? जो कीड़े होते हैं इसकी ऊपरी सतह किसकी होती है? काइटिन की होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ग्लाइकोजन। दोस्तों ये आप लोगों का जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन, ये आप लोगों का स्टोर रहता है ह्यूमन बॉडी में। जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसका नाम क्या होता है, आप लोगों से दे देगा हिपेरिन वगैरह, ये चारों चीजें दे देगा। तो दोस्तों हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है, प्लांट में जो स्टोर होता है वो स्टार्च है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में जो स्टोर होता है वो आपका ग्लाइकोजन होता है। ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट का, वह रूप जो हमारे बॉडी में संचित रहता है, स्टोर होता है, वो है आपका ग्लाइकोजन। और कैसे स्टोर होता है हम लोग इसको देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी के लिए ध्यान रखें ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, और हमारी बॉडी में जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन ही होता है। क्लियर है क्या? तो ग्लाइकोजन की अगर हम लोग बात करें, ये आप लोग का एक एनिमल कार्बोहाइड्रेट है, मतलब हमारी बॉडी में दोस्तों ये क्या रहता है आपका? स्टोर रहता है, ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर रहता है आप लोगों के, आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है कौन सा रहता है? ग्लाइकोजन रहता है। किस में रहता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे लीवर में रहता है। बाकी मैं बता दूं किस किस में रहता है, जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है कौन सा रहता है? ग्लाइकोजन रहता है। आप लोगों से पूछे कि स्टोर तो रहता है कहां रहता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे लीवर में रहता है, और आप लोगों की मसल में रहता है, क्लियर है क्या? दोनों याद रह जाएंगे, लीवर में और मसल्स में, दोनों में आप लोगों का ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है, ठीक है? चले आगे, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं दोस्तों हिपेरिन। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, रोज शाम को 4 बजे टेस्ट में कितनी बार मैंने बता दिया, बताओ हिपेरिन क्या है? अब जब मैंने यहाँ पर लिखा है तो एक चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी, हिपेरिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, वो तो सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है हिपेरिन। लेकिन मुझे ये मत बताओ कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, मुझे बताओ इसका नाम सुना है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर होता है, जरा मुझे बताओ। दोस्तों ये जो आप लोगों का हिपेरिन है, ये आपके ब्लड में पाया जाता है, ये जो आपका स्पेशल कार्बोहाइड्रेट है ये आपके ब्लड में पाया जाता है। क्यों ब्लड में, इसका यूज़ क्या है? तो आप क्या चाहते हो, अंदर आपकी बॉडी में जो ब्लड बह रहा है दोस्तों, क्या वो आपका क्लॉट हो जाए क्या, वो जम जाए क्या, उसका थक्का बन जाए क्या? नहीं, हम लोग नहीं चाहते कि उसका थक्का बने।
लेकिन जब हमारे चोट लगती है और ब्लड फ्लो करता है तब तो हम लोग चाहते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए जल्दी से जल्दी, रुधिर जम जाए जिससे और ज्यादा फ्लो नहीं हो। चोट लगने पर यही होता ना, वहां पर रुधिर का थक्का बन जाए, मतलब और आगे फ्लो नहीं हो। लेकिन दोस्तों इंटरनली हम लोग चाहते हैं कि रुधिर का थक्का ना बने, ब्लड की क्लॉटिंग ना हो। तो आप लोगों से पूछा जाता है ब्लड में ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से उसके इंटरनली क्लॉटिंग नहीं होती। दोस्तों वो होता है आपका हिपेरिन, और इसलिए हिपेरिन को हम लोग एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। मतलब कोगुलेंट तो कौन सा होगा, जमाने वाला, और एंटीकोगुलेंट जो जमाता नहीं हो। तो आप लोग का जो हिपेरिन हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये एक आपका पॉलीसेकेराइड है, बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, पॉलीसेकेराइड है। और दोस्तों ये जो नसें होती है ना आप लोगों की, मतलब जिनमें ब्लड फ्लो होता है, तो उसमें हिपेरिन के कारण ही रक्त का थक्का नहीं बनता है। आप लोगों से कई बार 5 से 6 बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में कि दोस्तों ब्लड में ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से रुधिर का थक्का नहीं जमता। दोस्तों वो होता है आप लोग का हिपेरिन। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हिपेरिन को, हम लोग एंटी क्लॉटिंग एजेंट भी बोलते हैं या एंटी कोगुलेंट भी बोलते हैं। एंटी क्लॉटिंग क्या होता है दोस्तों, जो रुधिर का थक्का नहीं बनने दे, एंटी कोगुलेंट जो जमने नहीं दे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिपेरिन को एंटीकोगुलेंट भी बोलते हैं, एंटीक्लॉटिंग भी बोलते हैं। दोस्तों बात क्लियर हो तो बताइए। और अगर आप लोगों से पूछे कि हमारी बॉडी में जो हिपेरिन आता है वो आता कहां से है, तो दोस्तों हिपेरिन का जो निर्माण होता है, वेट करिए, हिपेरिन का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है, लीवर के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अरे आज तो कोई दिक्कत नहीं ना, आज तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। तो ये आप लोगों के पूरे कार्बोहाइड्रेट खत्म हुए। लास्ट में एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों कि शुगर फ्री क्या होता है। दोस्तों आपको बताना, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज़ की, मतलब डायबिटीज़ का मतलब क्या है, अगर आपके बॉडी में शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, शुगर का मतलब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही तो है, तो अगर शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम लोग बीमारी बोलते हैं शुगर। तो आप लोग अब क्या खाते हो दोस्तों? अच्छा मुझे बताओ, शुगर में क्या चावल खाने को मना किया जाता है नहीं किया जाता, बताओ? चावल खाने को मना किया जाता है नहीं किया जाता, बताओ? अरे चावल खाने के लिए मना किया जाता है क्या, बताओ? बताओ जल्दी से बताओ। फैट क्या होता है ये देखो, बबूचक को देखो, एक को पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, आ रहे हैं फैट पे, फिर बोलते हैं सर मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैं पढ़ता तो हूँ। पढ़ोगे कैसे जब आप भी चल रहा है चैप्टर कौन सा चल रहा है पूछ के आ रहे हो, तो सिलेक्शन थोड़ी होता है। दोस्तों होता क्या है दोस्तों, चावल भी बंद किया जाता है क्योंकि आपको पता है चावल जो होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और दोस्तों जो चीज़ जल्दी डाइजेस्ट होगी तो आपकी बॉडी में शुगर का अमाउंट ज़्यादा होगा या नहीं होगा। जैसे भैया कार्बोहाइड्रेट तो शुगर तो आप लोग के रोटियों में भी होता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, उसका जो डाइजेशन होता है वो थोड़ा सा देर में होता है, जिसकी वजह से जो जो आप लोगों का शुगर प्रोड्यूस होता जा रहा है वो आप लोग का यूज हो जाता है। लेकिन चावल क्या होता है, वो आप लोग का ज़्यादा आपको तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है आप लोग का, क्लियर? तो आप लोगों को पता है शुगर वाले जो होते हैं वो मीठा तो कम खाते ही हैं, लेकिन साथ में दोस्तों मीठा तो करे वो कुछ, है ना? अब मजा तो बिना मिठाइयों के मजा कैसा है। तो आपने सुना होगा आजकल बाजार में मिठाइयाँ भी आ रही है शुगर फ्री। आपको पता है दोस्तों गोलियाँ भी आता है, एक ब्रांड भी है शुगर फ्री, आपने सुना होगा, है ना? शुगर फ्री तो उसमें गोली आती है, वो तो होती वो मीठी है, लेकिन आपकी बॉडी में शुगर का अमाउंट नहीं बढ़ा रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होती। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगी तो शुगर का अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होती। फिर आप लोग बोलेंगे सर इसका यूज़ क्या है? दोस्तों कुछ नहीं, उसका यूज सिर्फ और सिर्फ मीठापन प्रोवाइड करना है, आप लोगों का स्वाद भी आ जाए और दोस्तों आपके शरीर पर कोई नुकसान भी नहीं हो, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही वो आपकी बॉडी में कैसे शुगर का अमाउंट बढ़ा सकती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों शुगर फ्री के बारे में, शुगर फ्री क्या होता है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि अनडाइजेस्टेबल होता है, अपचनीय होता है, शरीर में इसका डाइजेशन नहीं होता, और इसका डाइजेशन नहीं होता तो आपके शुगर का अमाउंट बढ़ेगा क्या? नहीं। और दोस्तों ना ही इससे कोई ऊर्जा मिलती है, इससे कोई एनर्जी भी नहीं मिलती है।
तो ये आप लोगों का क्या है दोस्तों, जो शुगर फ्री होता है वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह, कृत्रिम स्वीटनर की तरह वर्क करता है। कृत्रिम स्वीटनर का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब जो आपको मिठास प्रोवाइड करे, ठीक है, जो आप लोगों को क्या करे, मिठास प्रोवाइड कराए। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आप लोगों के जो शुगर फ्री होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मीठा आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ठीक है, सबसे ज्यादा मीठा आर्टिफिशियल शुगर कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सैकेरिन होता है आप लोगों का, ठीक है, क्या होता है, सैकेरिन। सैकेरिन सबसे मीठा होता है। अगर आप लोगों से बात करें सबसे ज्यादा यूज में होने वाला आपका स्वीटनर कौन सा है, तो वो आप लोग का सुक्रालोज होता है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि और बताओ और कौन सा आपका आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट है या आर्टिफिशियल शुगर है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा आपका एस्मार्टेम, ठीक है। तो तीनों आप लोग नाम याद रखेंगे दोस्तों, नाम याद रह जाएंगे क्या। तो अगर बात करें आपका जो सैकेरिन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों सबसे मीठा, ये हो जाएगा आप लोग का सबसे मीठा। जबकि दोस्तों सर्वाधिक यूज होने वाला कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सुक्रालोज, मैंने आपको लिख दिया सर्वाधिक जो यूज में होता है। और इसके अलावा और एक और नाम है एस्पार्टम, ठीक है, जो भी आपका ये भी आप लोग का यूज होता है एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर। दोस्तों ये कहानी आप लोगों की खत्म होती है, नेक्स्ट स्टार्ट कर दे फैट। बताओ, अरे चले क्या फैट स्टार्ट कर दे क्या, ये कल करें, स्टार्ट कर लेते हैं यार फैट, यार आज तो कुछ ऐसा लगा टाइम जल्दी जल्दी निकल गया, पढ़ लो इधर आ जाओ, स्टार्ट करते हैं फैट। अब दोस्तों आपको पता है फैट क्या होता है, पहली बात तो हम लोग ये बात करते हैं, आपको एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, मैंने आप लोगों को बताया था, याद है ना कल फ्यूल बताया था मैंने, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे फैट से भी आप लोगों को एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट से एनर्जी कब मिलती है, जब आप लोग भूखे रहते हो। जैसे मान लो आप लोग व्रत वगैरह रख रहे हो, फास्ट रखते हैं ना कोई, तो जब फास्ट रखते हो तो दोस्तों बॉडी को तो एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी आप लोगों को कहाँ से मिलती है दोस्तों, फैट से मिलती है, वसा से मिलती है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों फैट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैट को ही हम लोग लिपिड भी बोलते हैं, फैट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी दोस्तों। ध्यान रखिए जो आप लोगों की मसल्स होती है ना, मसल्स मांसपेशियां, वो आप लोगों की बनी होती है लीपोप्रोटीन से, लीपो प्रोटीन से। लीपो का मतलब होता है आपका लिपिड, प्रोटीन तो आप लोग जानते ही हो, लिपिड क्या होता है दोस्तों, फैट होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या फैट का जो यूज होता है वो आपकी मसल फॉर्मेशन में भी होता है, मांसपेशियों के निर्माण में भी दोस्तों फैट का यूज होता है, जरा मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, अरे बताइए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं, जो मसल्स होती है इसका निर्माण होता है दोस्तों लिपोप्रोटीन से। और लिपोप्रोटीन का मतलब है लिपो, कहीं ना कहीं लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड क्या होता है, फैट होता है। तो क्या मैं बोल दूं क्या फंक्शन क्या हो जाएगा फैट का, आप लोग का क्या मसल का निर्माण का हो जाएगा क्या, ठीक है। और क्या क्या फंक्शन होता है आप सोचो एक बार, यहां पर लिखेंगे नहीं, पहले दिमाग में सोचो क्या क्या हो सकता है। देखो दो फंक्शन मैंने बताया, पहली बात तो ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, कब करता है दोस्तों, जब आप लोग भूखे रहते हो, जब आप लोग फास्ट रखते हो, पहली बात तो ये। दूसरा दोस्तों मसल फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहता है। दोस्तों आपकी बॉडी के लिए क्या विटामिन जरूरी है क्या, अरे यार कल ही तो मैंने बताए थे ऐसे पदार्थ जो आपके आपके लिए जरूरी है उसकी कमी से दोस्तों आपको क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, इसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो विटामिन क्या एक न्यूट्रिएंट नहीं है क्या, जरा बल्कि चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो लेकिन है तो आपका न्यूट्रिएंट। तो आप लोग का विटामिन क्या आपकी बॉडी में जरूरी है क्या, ये नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। और आपको पता होगा दोस्तों विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आप लोगों के वाटर सॉल्युबल, कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में फैट ही नहीं होगा तो वो विटामिन आपके सॉल्युबल हो पाएंगे क्या, घुल पाएंगे क्या, घुल ही नहीं पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं क्लियर है क्या। अरे मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को दोस्तों शिकंजी पीनी है, शिकंजी जानते हो ना क्या होता है, नींबू पानी ठंड वो वाला मीठा वाला, तो अगर पानी में दोस्तों शक्कर मिली नहीं रही तो उसका क्या मजा आएगा क्या, वो कुछ काम कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है।
तो सिमिलरली विटामिन का अगर काम करना है, कौन से विटामिन का, विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन ई का, विटामिन के का, ये चार विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। तो क्या फैट का दूसरा कार्य ये हो जाएगा क्या दोस्तों, ये विटामिन को घोलता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या फंक्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके व्रत के समय ऊर्जा प्रदान करता है। कितनी करता है, तो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करी तो वो 4 किलो कैलोरी दे रहा था, जबकि ये आपका 9 किलो कैलोरी देता है। तो ये आप लोग का 1 ग्राम जो आपके कार्बोहाइड्रेट, जिसको शॉर्ट में कार्ब भी लिखते हैं, तो ध्यान रखेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए ही मैंने ये यूज करा है कार्ब। तो दोस्तों 1 ग्राम जो कार्ब होता है वो 4 किलो कैलोरी देता है, जबकि अगर बात करें 1 ग्राम फैट की तो ये आपको 9 किलो कैलोरी देता है। पहली बात क्लियर। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन को डिजोल्व करने में ये आप लोगों का हेल्पफुल रहता है, विटामिन को घोलने में ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट की, तो ये हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। दोस्तों जो मोटे लोग होते हैं उनमें फैट ज़्यादा होता है क्या? अरे मोटे लोगों में फैट ज़्यादा होता है क्या? तो अगर मैं बात करूँ फैट जमा कहाँ पर होता है दोस्तों, जो आपकी स्किन होती है ना, त्वचा, इसके नीचे लेयर में क्या हो जाता है, ये जमा हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए आप लोगों के दोस्तों, जो फैट होता है ये कहाँ पर जमा होता है, जो आपकी स्किन होती है ना त्वचा, इसके नीचे लेयर में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। आपने सुना होगा मोटे लोगों को कम ठंड लगती है, पतले लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है, ऐसा सुना है क्या, ऐसा सुना है क्या? कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों मोटे जो लोग हैं उनके दोस्तों स्किन के नीचे जो फैट है ज़्यादा है। दोस्तों अगर फैट ज़्यादा है तो अगर हम लोग बात करें, ये आपका जो फैट होता है वो एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, कुचालक की तरह कार्य करता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपकी बॉडी की जो हीट होती है इसको बाहर नहीं जाने देता, समझ रहे हो क्या बात को, मतलब आपकी बॉडी गर्म से रहती है, आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती, ये इंसुलेटर की तरह कार्य कर रहा है, जबकि पतले लोगों में फैट कम होता है। बात क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें, जो फैट होता है ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखता है। क्यों? क्योंकि जो आपका फैट होता है वो एक इंसुलेटर की तरह, एक कुचालक की तरह कार्य करता है। कैसे करता है तो ध्यान रखेंगे, मैं भी आपको बताऊं, नोट डाल के लिख लेना, हमारी बॉडी में जो फैट होता है ना, जो फैट होता है ना दोस्तों, वो क्या होते हैं आप लोगों की जो स्किन होती है इसके नीचे क्या पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू। हम लोग इसको सेंसरी ऑर्गन्स में पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी आप लोग ध्यान रखो, हमारी स्किन के नीचे, या फिर आप लोग सिंपल से बोल लो, स्किन के नीचे आप लोगों के क्या पाए जाते हैं, फैट पाया जाता है। जो फैट आपका स्टोर होता है वो स्किन के नीचे होता है। कहाँ पर होता है? एडिपोज टिश्यू में होता है, जिसकी वजह से दोस्तों किसका कार्य करता है, कुचालक की तरह कार्य तो करते ही है, और इसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या आती है? अरे कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या आती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों, ग्लूकोज थी क्या? सिमिलरली आप लोगों का दोस्तों जो फैट होगा इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगा, फैटी एसिड होगा। मतलब जब फैट का पाचन होगा, जब वसा का पाचन होगा, जब फैट का पाचन होगा, जब वसा का पाचन होगा, ये किस में टूटेगा दोस्तों? फैटी एसिड में टूटेगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वसीय अम्ल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वसीय अम्ल, या वसीय होगा ना, वसीय अम्ल। क्लियर है क्या? तो दोस्तों टाइम हो चुका है ना, हम लोग कल बात करेंगे बाकी के, फैट के टाइप्स भी देखेंगे। तो बताओ कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो, और दोस्तों डिटेल में साइंस अगर पढ़नी है तो एक भी क्लास मिस ना करो, वरना एक भी मिस हो गया फिर आगे का समझ में नहीं आएगा। बायोलॉजी आप लोग का बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेली शाम को 4 बजे आपका मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट होता है, 1 बजे हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू करते हैं। कल ये 4 बजे वाला टेस्ट नहीं हो पाया था किसी कारणवश, अर्जेंट वर्क आ गया था मेरे को। तो आप लोग क्या करें, अनअकैडमी लर्निंग की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर सर्च करें दोस्तों मेरा नाम नीरज जांगिड, रेलवे एग्जाम डाल देना दोस्तों, अगर आप लोगों से गोल पूछे तो। ऑब्वियसली रेलवे की तैयारी करो, रेलवे डालोगे तो नीरज जांगिड सर्च करें और मुझे फॉलो कर ले, यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में सी ऑल करोगे, सारी क्लासेज आप लोगों को मेरी दिख जाएगी। और दोस्तों कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले, आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ कर देखें, यहाँ पर आप लोगों को मिलता है ऑल कोर्सेज, सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको एक सब्सक्रिप्शन में। आप लोग को जो दिक्कत आती है सर जीके कहाँ से पढ़े, पॉलिटी कहाँ से पढ़े, हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, अरे एसएससी का सब क्वेश्चन लेके देखोगे, जीके के इतने एजुकेटर्स मिल जाएंगे आप लोगों को, पॉलिटी के 4-5 टीचर, हिस्ट्री के 4-5, तो आपके जो एनटीपीसी की दिक्कत है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। मेरा कंप्लीट बैच तो आ ही रहा है यहाँ पर, एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग, जो भी मैकेनिकल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट बैच आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं मैकेनिकल वालों को ही मिलेगा, सिविल के जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सिविल का मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल का मिल जाएगा, सीजीएल की क्लास मिल जाएगी, मैथ्स की, रीजनिंग की, सारी क्लास मिल जाएगी आपको।
आपको इसमें टेट सीरीज में मिल जाती है, हर क्लास के दोस्तों आपको पीडीएफ मिलती है। मैंने साइंस का कंप्लीट बैच है मेरा यहाँ पर, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स का दोस्तों गेट सब्सक्रिप्शन करोगे ये ऑप्शन आ जाएगा। तो 12 महीने का लोगे तो दोस्तों 6000 का पड़ता है, 24 महीने का 9600 का पड़ता है। इसमें रेफरल कोड पूछेगा, रेफरल कोड दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, मेरा रेफरल कोड है नीरज 11, इसको अप्लाई करके यू आर सपोर्टिंग मी डायरेक्टली, ठीक है। तो नीरज 11 जैसे पुट करोगे तो एक साल का पड़ जाएगा 5400 का, और दो साल का पड़ जाता है 6480 रुपए का, ठीक है, ओके दोस्तों। और दोस्तों यार देखो पीडीएफ मत करा करो, अब से डालना ही बंद कर दूंगा आप ऐसे करोगे तो, क्लास के बाद में आधे घंटे के बाद में कमेंट में डल जाती है पीडीएफ, ठीक है। ओके कल 1 पीएम का हुआ था, आज 1 बजे पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं 1 बजे और 4 बजे अनअकैडमी पे, अपना ध्यान रखिए, और ये क्लास सुबह 9:30 बजे हम लोग यहां पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।